अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी। तो आइए अपन देखते हैं, ये नाश्ते में बनाने जा रहे हैं। अभी खाने में तो कुछ और बनाएंगे, नाश्ते में ये बनाना। 2 कप हमने लिया बेसन, 1 कप आटा, दोनों को मिक्स करके अच्छे से गूंथेंगे। आइए आप देखिए। और प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट सब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने ज़ीरा डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अब थोड़ी सी मिर्च डालेंगे कट के और उस आटे को गून लेंगे। तेल भी डालेंगे, तेल इसलिए डालते हैं कि अच्छा थोड़ा रोगन वाला हो। तो इधर मम्मी आटा गून रही हैं, उधर मैंने बर्तन धो लिए थे और किचन के सारे काम हो गए हैं। अब आटा गूंदने के बाद उधर हम लोग चटनी की तैयारी साथ ही साथ कर लेंगे। ऐसा लगता है बस 1 बजे से पहले सारे काम हो जाएं और फिर नमाज़ पढ़ के और फिर दूसरे काम करें। ये मम्मी रिंग उतारना भूल गई थी, उसमें आटा लग जाता है रिंग में, तो मम्मी ने बीच में रिंग उतारी। रोज़ उतारती हैं और जब भी आटा गूंथती हैं। देखिए आटा गूंथ गया है, खूब अच्छे से गूंथना है इसको, ऐसे ही जैसे मम्मी ने गूंथा है। थोड़ा हार्ड हार्ड सा। ये हमारी चटनी की तैयारी हो रही है। ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। अब टमाटर कट 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 करेंगे और फिर डाल देंगे टमाटर को भी। फिर टमाटर डालने के बाद इसको पीस लेंगे और फिर पीसने के बाद या तो चाहो तो इसको तल लो, चाहो तो कच्ची खा लो। कच्ची ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम लोग कच्ची रखेंगे, ऐसे तली हुई भी अच्छी लगती है। यह हमारी चटनी रेडी हो गई, अब बस जल्दी से रोटी और बन जाए फिर जल्दी से खाएंगे। ये लोई हो गई, ऐसे गोल 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 लोई बनानी है इसकी, बिल्कुल ऐसे ही गोल गोल गोल। फिर इसको बेल लेंगे। हाँ, इसको तेल में लगाना है, तेल को हम बाउल में साइड में रख लेंगे क्योंकि बार बार कहीं लेने जाने से अच्छा है उसी टाइम पहले ही सब साथ में रख लो। ये देखिए बेल के डाल दी है रोटी, दोनों साइड से अच्छे से सिकना चाहिए रोटी को। देखिए ऐसे आप लोग सोचते होंगे मैं कितना बोलती हूँ, बस इतनी ही आटा था तो इतनी ही लोइयाँ बनी, इतनी है कि हम लोग अभी दिन में खाएंगे, मतलब नाश्ते में, फिर हम लोग दिन में कुछ और बनाएंगे। अगर कुछ बनाएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी रोटी रेडी है, देखिए कितने अच्छे से सिक गई है और हम खाएं।